ये मेरे भगंदर हुआ था, पिस्टोला बोलते हैं इसको, कि मैंने 3-4 बार ऑपरेशन करवा चुका हूँ, मेरे से कोई ये ठीक नहीं हो पाया। मैंने डॉक्टर आशीष भनोट से मिला, ऑपरेशन हो चुका है, वो अब मैं ठीक हूँ। पहले क्या होता था, कब से चल रही थी ये बीमारी? ये काफ़ी कम से कम 15 सालों से बीमारी चल रही थी मेरे साथ। ये तो 15 साल से क्या क्या इलाज हुआ? ऊपर से मवाद बनते थे, चीरा करके निकाल देते, फिर साल में 1.5 साल में फिर ये हो जाती थी। टोटल अभी तक कितनी बार ये बदनवाद निकाली है? ये मेरे साथ हुआ कम से कम 5 बार। फिर उसके बाद फिर कैसे पता चला कि ये? हाँ, आपके हमने वीडियो देखी थी नेट पे, लड़के ने, जब हमको ये पता चला था ये डॉक्टर इस चीज़ का इलाज करते हैं, हम फिर तुरंत आपके पास में आए। कहाँ से आए हो आप? हम गुड़गांव से आए हैं, कहाँ से? DLF-3 गुड़गांव से। इसमें कोई मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कोई दर्द हुआ, बहुत अच्छा बेटर ऑपरेशन हुआ ये। वो इसका ऑपरेशन पहले मेरे पापा ही हैं, तो इनका ऑपरेशन पहले 1 साल पहले भी हुआ था। उस टाइम बहुत ज़्यादा पस हो गई थी, जैसे मतलब कि जो ऑपरेशन हुआ था 1 महीने जॉब भी नहीं कर पाए थे। जो अब ये ऑपरेशन हुआ है इसमें 3 दिन बाद ही रिकवर हो गए हैं। एंड इसमें ज़्यादा मतलब कि पेन भी नहीं होता इस ऑपरेशन से जो अभी हुआ है। पहले जो हुए थे उसमें पेन भी होता था और मतलब कि जख्म भी ज़्यादा होता था। मतलब कि 1 महीने तक बेड रेस्ट ही था, और इस ऑपरेशन में नो बेड रेस्ट, ओनली 3 या 4 डेज में, 3 या 4 डेज में अपने वर्क कर सकते हैं जो भी है। और दवाई मेडिसिन भी बहुत कम है, ना ही इंजेक्शन इतने हैं, क्योंकि पहले ऑपरेशन हुए थे उसमें भी इंजेक्शन बहुत लगे थे। और खर्चा इतना खर्चा भी नहीं है पहले, मतलब कि जो भी पहले ऑपरेशन हुए थे उससे तो बहुत ही अच्छा है।